अस्सलामुअलैकुम। जेल भरो तहरीक के हवाले से देखें, यहाँ तो खान साहब के साथ पूरी आवाम है, पूरा पाकिस्तान है इस वक्त। और ये जो सनाउल्लाह राणा जो ये कहते हैं मंशियात फरोश के सरदार हैं, ये इनके मुंह पे फिटकार बरस रही है। इनको मैं कहूँगी कि आपका खेल ख़त्म हो चुका है, आप चुप करके एक साइड पर हो जाएं मेहरबानी करके। ये जो खान साहब के लिए कहते हैं, अब इन्हें जेल में डालना चाहिए, अब इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। अरे मनुष्य, तुम लोग तो पाकिस्तान के गद्दार हो, तुम्हें तो यहाँ पर बैठने का कोई राइट ही नहीं है। जेल में तुम लोगों को डालना चाहिए, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, सारी मईशत तबाह हो गई है। क्या समझते हो, क्या हम लोगों को पता नहीं चलता? हम देख नहीं रहे, खुली आंखों से हमें एक एक चीज़ का पता चल रहा है। तुम लोग मुल्क के गद्दार हो, तुम्हें सज़ा सबसे पहले देनी चाहिए। और मैं कहती हूँ जेल भरो तहरीक में तुम लोगों को जेल में डालना चाहिए, और इस तहरीक को तुम लोगों से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि मुल्क का जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो मईशत तबाह हो रही है, तो हमारा मुल्क के 40-50 लोग, तुम लोग क्या समझते हो कि मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हो? तो तुम लोगों को बड़े आराम से हम ये सब करने देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम तुम लोगों को ये सारा काम करने दें। अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान पहले भी डिफ़ॉल्टर पर गया था, इसको खान साहब ने निकाला है उसे, और हमारा ग्रे लिस्ट में नाम जो है वो एक, जिस तरीके से खान साहब ने काम किए, कर्ज़े उतारे, और अब फिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो किसकी वजह से हो रही हैं? ये इम्पॉर्टेड हुकूमत आई, उसके बाद ये सारे मामला दोबारा से शुरू हो गए, तो ये चीज़ें गलत हैं। ये मरियम नवाज़ जो इतनी बकवास करती है, औरत के नाम पे धब्बा है ये। हम औरतें हैं ना, हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ने हमारे लिए एक दायरा रखा है, ये इस दायरे से बहुत बाहर हो गई है। तो मेहरबानी करके मरियम, मैं तुम्हारे लिए, मरियम नवाज़, मैं तुम्हारे लिए ये पैगाम दूंगी कि तुम अपने घर जाके अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो। तुम्हारा काम सियासत में आना नहीं है, तुमने बड़ा लोगों को परेशान किया है, और हमारे खान साहब के लिए इतनी गंदी और गलत बातें की हैं कि मेरे सामने अगर आप आओ तो मैं मुंह तोड़ आपको ऐसा जवाब दूं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, महारानी हो क्या हो, मुल्क के ऊपर आप, पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर ही नहीं सकती। पहले अपने औसाफ दुरुस्त करो, अपने आप को एक सच्चा साबित करो, तो आप यहाँ पर इस काबिल हो। लेकिन आप में तो है ही नहीं, आपके खून में ये चीज़ें शामिल ही नहीं हैं, तो आप कहाँ से ये चीज़ें करोगी? और हमारे खान साहब के लिए जो अल्फाज इमरान खान के लिए आप इस्तेमाल करती हो, मेहरबानी करके आप अपनी ज़बान को लगाम दो, बहुत हो गया, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है, वरना फिर हम तुम्हारा वो शेयर करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।